नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को एक वेब कैमरे के रूप में या फिर एक सीसीटीवी कैमरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। यदि आपके लैपटॉप का कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, उस समय भी आप अपने मोबाइल के कैमरे को एक वेब कैमरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक और देखते रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप अपना क्रोम का ब्राउज़र खोलें और वहां गूगल सर्च में टाइप करें मैनीकैम। जैसे ही आप मैनीकैम लिख के सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा मैनीकैम, और वहां पर जाके आप डाउनलोड मैनीकैम पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको दो चॉइस दे रखी है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ या डाउनलोड फॉर मैकबुक। अभी हम लोग विंडोज़ पर काम कर रहे हैं इसलिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड शुरू हो गया है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो लिंक पे क्लिक करके इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। और रन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक्सेप्ट पे क्लिक करें। अब फिर से इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया है। अब ब्राउजर को क्लोज करें और अपना मैनीकैम ऐप को स्टार्ट करें। अब अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जाएं और सेम सॉफ्टवेयर को सर्च करें मैनीकैम ऐप और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। अब ओपन पे क्लिक करके ऐप को ओपन कर लें। अब सभी परमिशंस को अलाउ करें जो सॉफ्टवेयर मांगता है। अब आपको ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे सेटिंग्स में क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है और अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लॉगिन करने के लिए। अब आप सेटिंग्स में देख सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। जैसे भी आपको आउटपुट रेजोल्यूशन चाहिए उस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। सब कुछ बंद करके फिर से ऐप को ओपन करें। अब पिक्चर और वीडियो लेने की परमिशन को अलाउ करें। अब आप देख सकते हैं आपके कैमरा शुरू हो गया है।
अब आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे वापस से जाएं और फिर से मैनीकैम ऐप को ओपन करें। अब सेटिंग्स में जाएं और अकाउंट सेक्शन में जाके अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और लॉगिन करें। नीचे अब राइट क्लिक करें और सेलेक्ट करें मोबाइल डिवाइसेस। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका मोबाइल का नाम वहाँ पर शो कर रहा है। अपने मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करें और नीचे कनेक्ट पर क्लिक करके आपका कैमरा शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन एक वेब कैमरे के जैसे काम कर रहा है। इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को एक वेब कैमरा बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।